चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। हम लोग पिछले दिन तक के केमिस्ट्री में ये पढ़े थे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर अलग अलग तरह का अभिक्रिया रहेगा तो हम उसका वेग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए अब उसके आगे कुछ करते हैं। तो अब लिखेंगे नोट, NOT, नोट में लिखेंगे, नोट में करके लिखेंगे अभिक्रिया के वेग का एसआई मात्रक, अभिक्रिया का वेग का एसआई मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ये छूट गया था उस दिन, एक छोटा सा एसआई मात्रक था। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, ये एसआई मात्रक होता है। चलिए अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण। फर्स्ट आर बताएंगे, लिखेंगे किसी अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण के पदों में, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों को के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया का वेग का निरूपण किया जाता है, अभिक्रिया के वेग का निरूपण किया जाता है, उसे वेग नियम कहा जाता है, उसे वेग नियम कहा जाता है। चलिए वेग नियम या फिर वेग समीकरण भी कहा जाता है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया कि एक अभिक्रिया दिया रहेगा 2NO2 प्लस F2 और इससे बन रहा होगा NO2F2, ये बन रहा होगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। चलिए अगर मान लिया कि कोई अभिक्रिया है, अब उस अभिक्रिया का वेग नियम या फिर वेग समीकरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहां से वेग समीकरण इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वेग समीकरण इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिए कि वेग समीकरण हमेशा अभिकारक का ही लिखा जाता है, प्रतिफल का नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, ये देखिए वेग समीकरण है या फिर वेग नियम है, वहां से था अभिक्रिया का वेग। तो अगर हम वेग समीकरण हमें किसी भी अभिक्रिया का लिखने के लिए बोलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमेशा इसका भी डेफिनेशन लिखें कि वेग समीकरण का जो होता है सांद्रण सिर्फ अभिकारक का लिखा जाता है। तो हम सिर्फ अभिकारक यानी कि 2NO2F2, अभिकारक में एक रहे तो एक लिखेंगे, अभिकारक में दो या तीन रहेगा तो दो या तीन लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वेग समीकरण हमेशा किसका लिखा जाता है, हमेशा अभिकारक का ही लिखा जाता है, हमेशा अभिकारक का लिखा जाता है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। लिखते समय कैसे करेंगे, तो एक वेग स्थिरांक लिखा जाता है जिसको के से सूचित करते हैं। के का मतलब क्या, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के है। इसका मतलब हुआ कि आपको जब कभी भी वेग समीकरण लिखना है तो के तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद इधर क्या है, दो अभिकारक में तो दो ठो है, एक NO2 है और एक F2 है, तो यहां लिखिए NO2 और जो कांस्टेंट रहेगा उसका पावर कर देना है 2। हम लोग वहां पे देखते थे कि 1/2 करते हैं, और अगला क्या है F2, तो यहां F2 लिखेंगे। इसका कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहां 1 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वेग समीकरण इज इक्वल टू के NO2 का सांद्रण का पावर 2, पावर 2 क्यों, क्योंकि इसके कांस्टेंट में है और यहां पे F2। तो इस तरीके से हम लोग इसका वेग समीकरण लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं वेग समीकरण लिखने का, या अगर दूसरा तरीके से अगर एग्जांपल रहेगा तो हम लोग उसका कैसे करेंगे। दूसरा एग्जांपल है,
अगर मान लिया कि N2O है, इससे बन रहा है दूसरा नंबर एग्जांपल N2O, N2 प्लस O, तो इसका अगर हमें वेग समीकरण लिखना रहेगा तो वेग समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वेग समीकरण में हम लोग लिखते हैं K, K का मतलब स्थिरांक लिखा ही जाता है, अभिकारक का ही सिर्फ लिखा जाता है, आप समझिए हमको प्रतिफल से कोई मतलब ही नहीं है जब वेग समीकरण लिखना है, चाहे एक रहेगा तो एक लिखेंगे, दो रहेगा तो दो, प्लस में लिखते हैं, अगर यहां प्लस में रहेगा तो इनटू में लिखते हैं, N2 है तो N2O का शांतरण, बस पावर यहां पे कुछ कांस्टेंट नहीं है तो वन दे भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो ये मेरा वेग समीकरण है। तो ऐसे ही कोई भी अगर अभिक्रिया दिया रहेगा तो हम लोग उसका वेग समीकरण लिख सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, वही क्वेश्चन जो वेग अभिक्रिया का वेग लिखा जा रहा था वो सब सारा हम क्वेश्चन अभी देते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, वेग समीकरण निकाल कर दिखाना है। तो चलिए नोट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए, अभी तक के फिलहाल 6 है, पहला क्वेश्चन 2H2 प्लस O2 2H2O, ऐसे करके पूरा का पूरा अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा और उस अभिक्रिया का आपको लिखना है वेग समीकरण। तो चलिए इन 6 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस हम आगे देते हैं। चलिए तो अब जो आगे का क्वेश्चन है 6 तक के नोट कर लिए थे, अब 7 से क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चंस है सबका आपको निकालना है वेग समीकरण। तो 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, पहले 1 से 6 तक था, फिर अभी 7 से 12 तक के क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे, सबका निकालना है वेग समीकरण। याद रहे दोस्तों हम लोग वेग समीकरण में जरूर k का जरूर यूज करते हैं जो कि वेग स्थिरांक है। अब इस वेग स्थिरांक को लिखने के बाद अगर कोई भी अगर प्लस में रहेगा, और याद रहिए अभिकारक का ही लिखते हैं, प्रतिफल का ध्यान नहीं देते हैं, अभिकारक का लिखते वक्त CA है तो CA का कॉन्सेंट्रेशन, CA का सांद्रण, और यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं देना है, इनटू देना है, किसका सांद्रण, CO3 का, अगर गुणांक रहेगा उसको उसके पावर में लिखना है, ऐसे हम लोग लिखते हैं वेग समीकरण। तो ये जो 12 क्वेश्चंस है आपको ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभिक्रिया का वेग निकाले हुए थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बनाइए, ज्यादा से क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आदमी प्रैक्टिस करता है उतना ही सीखता है, और आप बनाकर मेरे को सेंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आप इसको नोट कर लीजिए, आप वेग समीकरण निकाल कर दिखाइए। चलिए अब उसके आगे हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे टॉपिक वेग स्थिरांक की विशेषताएं, वेग स्थिरांक की विशेषताएं, वेग स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं, कैसे की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं तो उसके नीचे फर्स्ट आप देंगे लिखेंगे वेग स्थिरांक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर वन, वेग स्थिरांक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पहला विभिन्न अभिक्रिया के लिए, विभिन्न माने अलग अलग, विभिन्न अभिक्रिया के लिए k का मान अलग अलग होता है। दूसरा, k का मान जितना ही अधिक होता है, k का मान जितना ही अधिक होता है अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। तीसरा, एक निश्चित ताप पर के एक स्थिरांक होता है, के एक स्थिरांक होता है। चौथा, कुछ अभिक्रिया के लिए के का मान शांतरण पर निर्भर नहीं करता है, शांतरण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए तो अब हम लोग के का विशेषता हम लोग सीख रहे थे, उसमें फर्स्ट ये है कि पहला तो अलग अलग अभिक्रिया हम अभी तक कितना तरीके से लिखे, सभी अभिक्रिया के लिए के का मान जो होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि वेग स्थिरांक जो होता है उसका वैल्यू अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है, परंतु कुछ ऐसी भी अभिक्रिया है जहां से के का कोई लेना देना नहीं है, तो उस अभिक्रिया का भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा अभिक्रिया है जो के पर डिपेंड नहीं करता है।
या फिर कौन कौन से अभिक्रिया है जो के पर डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर अभिक्रियाएं के पर निर्भर है, और के का मान जितना ही ज्यादा होगा, के का मान जितना ज्यादा होगा उतना अभिक्रिया तेजी से होता है। हम लोग पहले पढ़े थे कि अभिक्रिया या तो स्लो होता है या तो फास्ट होता है। तो वो किस पर निर्भर करता है? यही के पर निर्भर करता है कि के का वैल्यू अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया जो है वो तेजी से होगा, यानी कि फास्ट होगा। कब? जब वो के का वैल्यू ज्यादा बड़ा से बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा। फिर लिखे कि अगर कोई निश्चित टेम्परेचर है, कोई फिक्स टेम्परेचर है, वहां पे जो के का वैल्यू होता है एक स्थिरांक के रूप में होता है। अगर के का मान बदल नहीं रहा है, के का मान वैल्यू फिक्स है 20, तो इसका मतलब है कि वो निश्चित ताप है। लेकिन 20 से बदल के अगर 25 हो जाता है, यानी कि बढ़ रहा है, इसका मतलब है के का मान अगर बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि वो तीव्र अभिक्रिया में जा रहा है। अगर घट रहा है तो मंद अभिक्रिया होगा, स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं। तो ये हम लोग के वेग स्थिरांक की विशेषता पढ़ रहे थे। अब इस वेग स्थिरांक की विशेषता तक की आज का क्लास को एंड करते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में यहां तक के आगे पढ़ेंगे